क्या हो, क्या हो, क्या हुआ, कैसे किया आपने? पांच लड़कियों को शादी किया। अच्छा। और एक लड़का। अच्छा, तो मतलब लगा लगा काम का नहीं हुआ? नहीं, वो भी काम करता है, पढ़ाई करता है। लड़कियां बड़ी थी। अच्छा, कितनी उम्र होगी आपकी? ये 55। 55 साल हो गए। कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाला है बिहार का। कौन जिला का? आरा जिला, भोजपुर। अरे बाबर बाबा, आरा हमारे एक दोस्त हैं, आरा के ही हैं। हम गाजीपुर के, बनारस के पास के। तो नौकरी कैसे मिल गई आपको? जो है नौकरी मिलती है इस उम्र में? हाँ हाँ। हाँ, कैसे मिल गई? रखे हैं चौहान। चौहान जी, चौहान जी रखे हैं। चौहान जी परिचित हैं? पहले यहाँ पर हम कॉटे थे सलेस में। अच्छा। अबिचरा में। अच्छा, तो दिल्ली में कब साल से हैं? अरे बीचे हम तो चला गया घर, और इन साल में आए हैं। अच्छा, एक डेढ़ महीने से। डेढ़ महीने से है। कितना देते हैं ये लोग? 3000। ड्यूटी कितने घंटे करने पड़ती है? करनी पड़ती है 9:30 बजे से 6:30 बजे तक। साढ़े 9 से 6 तक। दिन में सोते हैं फिर? हाँ, दिन में जाकर सोते हैं। यह मकान किराए पर लेकर रहते हैं या किसी साथ रहते हैं? हाँ, किराए पर। कितने किराए देते हैं? देते हैं 1200 रुपये। कुछ लोग और रहते हैं या अकेले रहते हैं? हाँ, मेरा हुआ है, बटला ये पड़ता है। अच्छा, तो कहाँ पे दिल्ली में कहाँ पड़ता है? उधर है कुंडली में। कुंडली में। अच्छा, कुंडली में जो है। तो क्या बेटा कब तक जो है काम लायक हो जाएगा? जो है काम करता है राजमिस्त्री। हाँ, राजमिस्त्री का काम करता है। मिस्त्री काम करता है, पढ़ता भी है। हाँ। कितना मिलता है मिस्त्री से काम करने से? 300-350 मिलता है डेली। जो है कितनी उम्र हट गई उसको भी? 30-35। 35 साल का हो गया। अभी पढ़ाई करता है? 35 साल का है तभी पढ़ाई करता है। अच्छा, तो बी काम कर चुका है कि नहीं किया? अभी करता है। शादी हो गई है? बच्चे भी होंगे? देखो बच्ची है। अच्छा, तो आपको कभी रात के ड्यूटी में जो है लोग डांटते घर जाते नहीं है? मतलब कभी जो है डांटते नहीं है कुछ लोग? नहीं, हम सोते नहीं है। नहीं, मतलब गुंडे वुंडे आ गए कुछ ऐसे, क्या कर रहे हो? ना, गुंडा नहीं आता। गुंडा नहीं आता। क्या नाम आपका है? ललन सिंह। ललन सिंह। कौन जात के हैं? राजपूत। राजपूत। तो आरा में क्या, मतलब राजपूत जमीन भी नहीं थी आपके पास? है, फंस गया। क्या फंस गया, कहाँ पे? गांव पर फंसा दिया शादी के लिए। शादी भी दिया? कितना किले का बीघा था? 3 बीघा था। 3 बीघा था। तो बेटी की शादी में जो सब लगा दिया। तो कोई शौक आपका ऐब नहीं? दारू वारू पीते थे? नहीं, दारू नहीं पीते। कभी नहीं पिए? नहीं। तो मतलब क्या उससे इतना पैदा नहीं हुआ जो है कि शादी कर सके खेत से जो है? नहीं, थकान नहीं हुआ तिलक देने से, दहेज देने से। कितना, मतलब लड़कियों की शादी किससे किससे की है, कितना दहेज देना पड़ गया? अरे शुरू में तो 1 लाख दिया बड़ बेटी को। अच्छा, कितने लाख खर्चा हुआ शादी बेटियों में जो है? हो गया 4 लाख। तो मतलब 4 लाख रुपया अलग से कमा नहीं पाए जो है खेत से? जो है खेती से कमा नहीं पाए? नहीं। अच्छा, तो वो खेत मतलब बिक गया है, मतलब जो है अब सूद पे है? सूद पे है। कितना जमा करना है वहां पे? 1 लाख रुपया जमा करना है। तो मतलब क्या आपको लगता है कि आप खेत छुड़ा पाएंगे अपना? हाँ, बाप बेटा भीड़े हैं तो छुड़ाइए लेंगे। क्या बात है, क्या बात है, बाप बेटा भीड़े हैं छुड़ाइए लेंगे। हैं बेटा ही मतलब लगा हुआ है? हाँ। तो कब तक ये नौकरी करेंगे?
करीब करेंगे फागुन तक। फागुन तक, अच्छा अच्छा। तो मतलब इतना इकट्ठा कर लेंगे आप लोग, खिंचवा लेंगे। अच्छा, यहाँ पे दिल्ली में कष्ट जो है कुछ नहीं लगता है? दिल्ली में तो नहीं लगता है खराब जो है कुछ? गांव के जो जीवन है दिल्ली में उसमें फर्क नहीं पड़ता जो है? जो गांव का जीवन है और दिल्ली का जो जीवन है बड़ा अंतर है दोनों में जो है। यहाँ थोड़ा कष्ट नहीं महसूस होता होगा? कष्ट को लगता होगा कुछ जो है कहाँ फंस गया के कभी लगता होगा कभी कभी जो है? नहीं नहीं लगता है। अच्छा, तो घर में मतलब कितने कमरे का मकान यहाँ पे जहाँ पे बेटा रहता है? एक कमरे लिए हैं यहाँ पर। उसमें बहू रहती है? उसमें आप भी रहते हैं? हाँ। एक कमरे में तीन लोग रहते हैं? अच्छा, तो खैर उसमें रात सोते होंगे दिन में सोते होंगे आप जाके? गाना वाना नहीं गाते हैं? गाना गाते नहीं, सुनते हैं? आपने जीवन में ऐसा क्या किया मतलब कि आप कुछ पैसा भी नहीं कमा पाए, तो क्या दिक्कत थी आपको जो जीवन में? दिक्कत तो यह हुआ जब शादी किया उसमें फंस गया। अच्छा, तो आपको तो भाई बच्चा आपका पैदा हुआ था तो आपको पहले पता था ना कि हमको जो है दहेज देना पड़ेगा? उसकी व्यवस्था नहीं की शुरू से? नहीं, अब वही आधार था उसी से सब किया। वही आधार था उसी से किया। आपके पिताजी के पास कितनी जमीन थी? पिताजी के पास 16 बीघा जमीन थी। अच्छा, आप लोग कितने भाई थे? 4 भाई थे। 4 बीघा बट गए आप? अच्छा, तो बाकी भाइयों ने मदद नहीं की कोई जो है? नहीं। ऐसा क्यों? वो सब अपना अपना मदद करता है। आपने मांगा उनसे जो मदद मांगी? नहीं मांगा जो है? माई बाबू पर ही मर गया है। ये मदद आपने मांगी थी भाइयों से अपने? हाँ। दिया नहीं किसी ने? क्या कहे लोग? ये अपना आप देखिए, हम अपने देखिए। कोई पसंद आपको भजन है? भजन आप कुछ गाते हैं भजन वगैरह जो है कुछ? भजन गाते थे मगर भजन याद नहीं है सब। कौन सा गाते थे? अरे शंकर उनका जी के गाते थे। जैसे एक लाइन सुना दीजिए। एक लाइन जो है अच्छा लगेगा इसलिए मैं कर रहा हूँ। एक लाइन को जो है जो अच्छा लगता हो सुना दीजिए। शंकर जी का भजन है क्या? सवेर जब होता है शंकर जी जागते हैं उस समय का। हाँ, सुनाइए बड़ा अच्छा लगेगा। सुनाइए। सवेर भैया भोला सीताराम, सवेर भैया भोला भोला हो सीताराम। थोड़ा तेज गाइए ना, थोड़ा तेज गाइए। सवेर भैया भोला हो सीताराम, वाह वाह। सीताराम बोला राधे श्याम बोला, सीताराम बोला राधे श्याम बोला, सीताराम बोला सब चलन लागे पंछी उड़न लगे भोला हो सवेरे भोला हो सवेरे याद नहीं है सर, भूल गया है। गांव पर सब होता है भजन। ठीक है दादा, नमस्ते। अच्छा, थैंक यू।